हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग वैक्सीन के बारे में बात करेंगे और मैंने अंडरआर्म्स की वैक्सीन तो बहुत सारी डाली है, हैंड वैक्सीन भी बहुत सारी डाली है। आज कुछ डिफरेंट है, पैरों की वैक्सीन कर रही हूँ और किस तरीके से करना है वो मैं आपको वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। पूरा फुल लेग वैक्सीन करके दिखाने वाली हूँ और हैंड और लेग दोनों वैक्सीन करके दिखाने वाली। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम पैरों की वैक्सीन भी बताइए, तो आप ये वाली वीडियो देख के अच्छे से सीख जाओगे। कुछ भी पूछना तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हेयर कटिंग की वीडियो मैं जल्दी जल्दी डालते जा रही हूँ। शादियों का सीजन चल रहा है तो बहुत हेयर कटिंग आती रहती है, तो आप प्लीज़ वो भी वीडियो चेक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये देखिए गाइज, इतने ज़्यादा हेयर इनके ग्रोथ है जो कि पैरों पे से हाथों पे से निकले हैं, तो वैक्स स्ट्रिप पे थे तो मैंने इसकी पिक क्लिक कर ली थी ताकि आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। तो सबसे पहले आपको हेयर की ग्रोथ जिस दिशा में होती है उसी टाइप से आपको वैक्स लगाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऐसे नीचे की तरफ से वैक्स लगाना है। ओके, और पट्टी भी नीचे की तरफ ही चिपकानी है और नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे एकदम झटके में। तो आप वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। फिर इस तरीके से आपको वैक्स लगाना है इस तरीके से। ओके, और अभी पट्टी चिपका के दिखाती हूँ। पट्टी का जो मतलब ज़्यादा हिस्सा होता है वो वाला आपको नहीं चिपकाना होता है और जो प्लेन होता है वो वाला चिपकाना होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये वाला आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और प्लेन वाला आपको चिपकाना है और अच्छे से रब करना है ताकि मतलब अच्छे से चिपक जाए आपका वैक्स स्ट्रिप। और नीचे से आपको स्किन को खींचते हुए इस तरीके से, देखिए मैंने नीचे पकड़ा हुआ है, इस तरीके से खींचते हुए और पट्टी को झटके से खींचना है। आराम से बिल्कुल भी नहीं खींचना, नहीं तो आपका उखड़ेगा नहीं हेयर। तो इस तरीके से झटके से एकदम पट्टी को रिमूव कर खींच लेना है और इसी तरीके से पूरा हेयर। सॉरी यहाँ पे लाइटनिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरे हाथ पर दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको पाउडर लगा लेना है, कोई सा भी पाउडर, मैंने पॉन्ड्स का पाउडर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से पाउडर लगाना है, उसके बाद आपको वैक्स लगानी है। मैंने यहाँ पे कोल्ड वैक्स यूज़ किया, कोल्ड वैक्स को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको वैक्स को लगाना है। ओके, अच्छे से वैक्स को लगा के और कैसे पट्टी चिपकानी है वो भी मैं दिखा देती हूँ। पहले अच्छे से आप जितना लगा सकते हो उतना लगा लीजिए और फिर एक साथ पट्टी चिपका चिपका के खींच दीजिए तो बहुत अच्छे से आपको आपकी वैक्सिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, पूरा हैंड का ये वाला वैक्सिंग मैं दिखा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने इतना ज़्यादा लगा लिया है हाथों पर वैक्स, इस वैक्स को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से मतलब लग जाता है और इजीली हेयर रिमूव भी हो जाते हैं। लेकिन गर्मियों में आप हॉट वैक्स ही यूज़ करें जिनको गर्म करना पड़ता है। तो प्लेन वाला हिस्सा ऐसे चिपकाना है। ओके, और इस तरीके से नीचे से खींचते हुए ऐसे खींच देना। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंतर आया दोनों हाथों में और एकदम खूबसूरत सा मतलब सॉफ्ट सा हैंड हो गया। आराम से इजीली आप इस तरीके से वैक्स कर पाओगे। इसी पट्टी को चिपका, जहाँ जहाँ वैक्स लगा है वहाँ पे इसी पट्टी को चिपका चिपका के आप हेयर को रिमूव कर लीजिए। अभी मैं पैरों की भी वैक्सिंग दिखाऊँगी तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा मतलब प्ले एकदम हेयर रिमूव हो जा रहे हैं आसानी से। और वैक्स स्ट्रिप में देखिए कितना ज़्यादा हेयर आया हुआ है। इस तरीके से जहाँ भी आपको हेयर दिखे इस तरीके से पकड़ पकड़ के चिपकाते हुए खींच लीजिए। बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से वैक्स कर लोगे। और जब भी आपको नीचे का हेयर रिमूव करना, जैसे हैंड के जो अंडरआर्म के पास का एरिया होता है उसको इस तरीके से हाथों को ऊपर उठवा दीजिए और फिर चिपका के, और इस इधर की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है तो कोहनी के पास से नीचे की तरफ खींचना है आपको पट्टी को। ओके, इसी तरीके से आपको पूरे हैंड को, बालों की दिशा देखिए, बालों का ग्रोथ किस तरफ से है उसी तरफ से आपको वैक्स लगानी है और उसी तरफ से उसके विपरीत दिशा में आपको पट्टी को खींच देना है। ओके, तो इस तरीके से देखिए कितना क्लीन हो गया आपका हाथ और ये देखिए वैक्स स्ट्रिप पे हेयर, ओ माय गॉड। तो इसी तरीके से पूरे हैंड की वैक्सिंग मैं कर ले रही हूँ यहाँ पर। तो जब आपने ऊपर का हैंड, नीचे वाला जब हिस्से में आते हो और ऊपर का इस तरीके से वैक्स करने के बाद से, जब आपको कोहनी के पास जो हमारा कम बाल वाला एरिया होता है उसको हमेशा इस तरीके से हाथों को ऊपर उठवा देंगे और ऐसे वैक्स लगाएंगे। ओके, ओके, इस तरीके से नीचे की तरफ लगाएंगे और फिर पट्टी को खींचेंगे। ओके,
इस तरीके से चिपकाएंगे और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ पट्टी को खींच लेंगे। वैक्सिंग करने का भी तरीका होता है, जैसे आप कहाँ का बाल किस तरीके से हैंड को घुमाएंगे तो आपका वैक्स अच्छे से होगा, तो ये आप वीडियो देख के अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको जब आपका वैक्स कंप्लीट हो जाए तो पूरे हैंड को अच्छे से क्लीन करना है पानी से। टॉवल ले लीजिए, स्पंज ले लीजिए, जिस जो आप फेशियल साफ़ करने के लिए, फेस साफ़ करने के लिए यूज करते हो उसी से आपको हैंड को भी साफ़ कर देना। फिर सूखे टॉवल से, ड्राई टॉवल से अच्छे से उसको पोंछ लेना है, ड्राई कर लेना है हैंड को पूरा। हाथ इस तरीके से वैक्स हो गया, अभी हम हथेली और फिंगर के पास के हेयर को रिमूव करेंगे इस तरीके से। फिंगर पे, हैंड पे पूरा अच्छे से लगा लीजिए। पूरे हैंड पे इस तरीके से वैक्स कर लिया हमने, और अभी वो वैक्स चिप बहुत गंदी हो गई थी तो दूसरी ले ली मैंने यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एक हाथ का वैक्स, दोनों हाथ के वैक्सिंग कंप्लीट हो गई है। अभी देखिए मैंने स्पंज लिया और पूरे हाथों को अच्छे से, जो वैक्स लगी होती है चिपचिपाहट सा होता है उसको रिमूव कर लीजिए और क्लीन कर लीजिए हैंड को। उसके बाद से कोई भी मॉइस्चराइजर लेके अच्छे से मसाज कर दीजिए हाथ पे। उससे क्या होता है कि आपकी हेयर की ग्रो धीरे धीरे होने लग जाती है और हैंड बहुत सॉफ्ट और ग्लोइंग सा नज़र आता है। तो हल्का सा मसाज ज़रूर दीजिए जब भी आप वैक्स कर रहे हो, तो कहीं पे भी वैक्स करो, अंडर आर्म, हैंड, लेग, पैर, सब जगह आपको मसाज ज़रूर देना वैक्सिंग के बाद से। ये मैंने पोंछ लिया, अब उसके बाद से मैं सूखे टॉवल से इसको अच्छे से सुखा लूँगी हैंड को। ओके, तो ये सुखा लिया हमने, अभी चलते हैं मसाज क्रीम की तरफ। ये मैंने जॉय का मसाज क्रीम लिया और अच्छे से हैंड को मसाज कर देंगे। अभी हमारी पैरों की बारी आ गई है, तो चलिए पैरों की वैक्सिंग दिखा देती हूँ। पैरों की वैक्सिंग के लिए काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। तो ये देखिए पैर पर कितने ज़्यादा हेयर ग्रो हैं, देख सकते हो। तो चलिए पैरों पे, मैंने एक पैर पे पहले से ही पाउडर लगा के रखा हुआ है, तो नीचे की तरफ से पाउडर लगाना है और नीचे की तरफ ही वैक्स लगानी है इस तरीके से। ओके, तो नीचे की तरफ से वैक्स लगाने के बाद से आप देख सकते हो अच्छे से पूरा वैक्स लगा लीजिए। उसके बाद वैक्स शिप को चिपकाइए, जितना आपको वैक्स लगाना है उतना लगा लीजिए इस तरीके से। ओके, और ऐसे पीछे से स्किन को खींचते हुए ऐसे रिमूव करना है हेयर को। पूरे पैरों की वैक्सिंग ऐसे ही करनी है आपको। ओके, ईजिली रिमूव हो जाएंगे हेयर, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप पूरे पैरों पे भी आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है इसी तरीके से। आपको अगर आप ऊपर तक आपको वैक्स करना है तो आप ऊपर तक इसी तरीके से कर सकते हो। अगर ऐसा कोई कस्टमर आता है जो पूरा ऊपर तक वैक्स कराएगा तो मैं उसकी वीडियो पोस्ट कर दूँगी। पाउडर लगा के ही वैक्सिंग को लगाइए, उसके बाद से पट्टी लगाइए और खींचिए, तो आपका पैर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये काला धागा इन्होंने बांधा हुआ था तो उसको मैं कट कर दे रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से पूरे पैरों पर, इससे क्या होता है वैक्सिंग करने से आपकी डेड स्किन भी निकल जाती है हेयर के साथ साथ, तो पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग सा अच्छा फील होता है। तो वैक्स कराने चाहिए, वैक्स बहुत अच्छा है। और ज़्यादा वैक्सिंग कराते कराते आपकी हेयर भी ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन मसाज रेगुलर देना है तब। तो इस तरीके से आपको पैर पर पूरा वैक्सिंग करना है, देख सकते हो। ऐसे पट्टी को चिपकाना है और ऐसे खींचना है। पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बैक साइड पे कैसे करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। बैक साइड पे करने के लिए कस्टमर को आप खड़ा करवा लीजिए और पीछे से अच्छे से रिमूव कर दीजिए जल्दी जल्दी हेयर को। तो इस तरीके से पहले पाउडर लगाएंगे, उसके बाद वैक्स लगाएंगे। नीचे की तरफ से हेयर की ग्रोथ है तो नीचे की तरफ ही वैक्स लगाएंगे और उसके बाद पट्टी चिपकाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ पट्टी को खींचना है। ओके, ओके, तो
आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गई हो। उसके बाद आपको दूसरे पैर की वैक्सिंग भी सेम तरीके से करनी है, जैसे आपने हैंड पे अच्छे से पानी से वैक्स को साफ़ किया, फिर ड्राई किया, मसाज किया, सेम प्रोसेस आपको पैर पे भी अप्लाई करना है। ओके, इस तरीके से पूरा वैक्सिंग हमने कंप्लीट कर दिया। पट्टी में यहाँ पे रखती जा रही हूँ, जो आपने थंबनेल पे देखा उसके लिए। देखिए कितना अच्छा इनका पैर क्लीन लग रहा है और बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। तो जब तक आपका हेयर अच्छे से रिमूव ना हो जाए, तब तक आप यही अप्लाई करते रहिए, वैक्स अप्लाई कीजिए, पट्टी को खींचिए, आपका वैक्स अच्छे से हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग दूसरे पैर की तरफ और उसको भी अच्छे से वैक्स कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये दूसरा पैर है, ये देखिए कितना ज़्यादा हेयर ग्रोथ हुआ था यहाँ पे। तो ये देखिए हेयर ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई है वैक्स स्ट्रिप पे, वैक्स स्ट्रिप मतलब पट्टी वैक्स होने के बाद से ये सारा हेयर ग्रोथ था। तो इसकी वीडियो ले ली ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ गया हो। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू गाइज़।